हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैंने बनाई है हरी मूंग, जो बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। ये खाने में बहुत टेस्टी भी होती है और साथ ही साथ ये बहुत हेल्दी भी होती है। तो चलिए देखते हैं। तो हरी मूंग को मैंने रात भर पानी में भिगा कर रख लिया था। अब पैन में हम तेल ऐड करेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें आधा टी स्पून ज़ीरा ऐड करेंगे और 1 से 2 सूखी लाल मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे। तो 2 से 3 सेकेंड के लिए हम इसे सॉटे करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कट करके। तो प्याज को हमें कलर चेंज होने तक पकाना है। देखिए यहाँ पे हमारी प्याज का कलर चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 4 से 5 सेकेंड के लिए हम इसे पका लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ का टमाटर और सबको अच्छे से मिक्स करके हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे हम धनिया पाउडर। तो सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मूंग। हरी मूंग ऐड करने के बाद हम सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 ग्लास पानी। पानी ऐड करने के बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर करके हम लगभग 15 से 20 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसे पकाना है। तो देखिए बीच बीच में इस तरीके से चम्मच से चलाते हुए हमें इसे पकाना है। तो 15 से 20 मिनट के बाद देखिए यहाँ पे इसका पानी सूख चुका है और हमारी दाल भी अब पक कर तैयार हो गई है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा टी स्पून गर्म मसाला पाउडर, आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर। अब हम ऐड करेंगे आधा नींबू का रस। तो अगर आपके पास छोटा नींबू है तो आप 1 नींबू का रस ऐड करें और अगर बड़ा नींबू है तो उसमें आधा नींबू का रस ऐड करें। नींबू का रस ऐड करने के बाद हम इसमें धनिया की पत्ती ऐड करेंगे और सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो 1 से 2 मिनट के बाद हमारी मूंग पककर तैयार हो चुकी है। तो देखिए इसका फाइनल लुक है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।